आपको पता है कि इंदिरा गांधी की पोती, सोनिया गांधी की लाडली बेटी और राहुल गांधी की बहन, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पास कितनी संपत्ति है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। प्रियंका गांधी ने पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा है। उन्होंने बुधवार को केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया, जिससे उनकी संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। हल्फनामे के मुताबिक प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के पास कुल 88 करोड़ रुपए की संपत्ति है। प्रियंका ने वायनाड जिला कलेक्टर के समक्ष 3 सेट नामांकन दाखिल किए। प्रियंका गांधी के पास कुल कितनी संपत्ति है? कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने बताया कि उनकी कुल संपत्ति 12 करोड़ रुपए है। इसमें हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास 5.64 करोड़ रुपए का एक फार्म हाउस भी शामिल है, जो 12,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। उनके पास पति रॉबर्ट वाड्रा से गिफ्ट में मिली 8 लाख रुपए की होंडा CRV कार भी है। अन्य संपत्तियों में 2.24 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड और 1.16 करोड़ रुपए के आभूषण शामिल हैं। प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के साथ दिल्ली के महरौली में 2.10 करोड़ रुपए की कृषि भूमि की सह मालिक है, जो उन्हें विरासत में मिली है। यहाँ स्थित फार्म हाउस में भी उनका आधा हिस्सा है। पिछले वित्त वर्ष में प्रियंका गांधी ने 46.39 लाख रुपए की आय घोषित की, जिसमें किराए से प्राप्त आय और बैंकों के ब्याज शामिल हैं। रॉबर्ट वाड्रा के पास 37.9 करोड़ रुपए की चल और 27.64 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। प्रियंका गांधी के पास 1.15 करोड़ रुपए मूल्य का 4,400 ग्राम सोना भी है। उन्होंने बौद्ध अध्ययन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में BA ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की है। हल्फनामे के मुताबिक उनके ऊपर 15.75 लाख रुपए का कर्ज है। साथ ही वो 2012 से 13 के कर निर्धारण के पुनर्मूल्यांकन का सामना कर रही हैं। प्रियंका गांधी के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज हैं। एक मामला मध्य प्रदेश में 2023 में दर्ज हुआ, जिसमें IPC की धारा 420 और 469 के तहत आरोप है। दूसरी प्राथमिकी उत्तर प्रदेश में 2020 में हाथरस की घटना के विरोध में दर्ज हुई थी। ये प्रियंका गांधी का पहला चुनाव है। वायनाड लोकसभा सीट पहले उनके भाई राहुल गांधी के पास थी, जो अब उन्होंने प्रियंका को सौंप दी है। आज की खबर के लिए शिखा मेहरोत्रा की रिपोर्ट।